स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर के तारे की कब्रस्तान का सफाई का बेड़ा उठाया नौजवानों ने। हम और आपको कब्रस्तान याद आता है किसी के मरने के बाद। हम इस दुनिया के घर के लिए लाखों खर्चा करके हर आराम की चीज़ों से घर को सजाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ऐश और आराम से गुजरे और सुकून की नींद सो सकें। मगर ये ज़िंदगी 60-70 साल की ज़िंदगी है। असल ज़िंदगी तो कब्र की ज़िंदगी है जहां हज़ारों साल रहना है। मगर हम इस दुनियाई ज़िंदगी को ही सब कुछ समझ लिए हैं और आज मुस्लिम कब्रस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि जंगलात नज़र आ रहे हैं। मैयत को ले जाने रास्ते भी नहीं और हाल ये है कि लोग कब्र पे से गुजर रहे हैं और बेअदबी भी हो रही है। इसी को देखते हुए एक ऐसा ग्रुप आगे आया जो किसी भी तरह का फ़ायदा ना सोचते हुए सिर्फ आखिरियत को संवारने के लिए ये बेड़ा उठाया। बीजापुर के ऐसे कब्रस्तान जो जंगल नज़र आ रहे हैं, इसी कब्रस्तान को बेहतर बनाने का बेड़ा उठाते हुए काम शुरू किया और कामयाब भी रहे। इस ग्रुप का नाम भी बहुत खास है, कट्टे पे चर्चा ग्रुप। इस ग्रुप ने कट्टे पे चर्चा करते हुए एक अहम काम को अंजाम दे रहे हैं। देखिए इस ग्रुप का काम और इनसे एक मुलाकात की हमारे खुर्शीद आलम ने। तारीखी शहर बीजापुर के तारीखी इब्राहिम रोज़ा कब्रस्तान में मैं आज खड़ा हुआ हूँ। इस कब्रस्तान की हालत जब आप पहले देखें तो एक भयानक जंगल की तरह लगता था, लेकिन यहाँ पर दफन करने आते थे उनको लोगों को काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता था। इतने कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर थे कि कब्र का नामो निशान भी हमें नज़र नहीं आता था। लेकिन बीजापुर शहर के बहुत बड़ा हैमस भी बिठाया गया है जो तेज़ रोशनी वाला, ताकि रात में जो भी दफन करने के लिए आए, मैयत लाएं, तो उनको तकलीफ़ ना हो। अभी जितने भी कब्रें देख रहे हैं, ये इससे पहले जब हम गेट के पास आते थे तो ये कब्रें नहीं देख पाते थे। इतनी कांटेदार झाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी जिसका आप अंदेशा नहीं लगा सकते। एक भी कब्र कब्रस्तान में आपको नज़र नहीं आती थी, लेकिन करीम बागवान साहब और उनके साथियों की कोशिशों से आज ये कब्र
कब्रिस्तान की सफाई की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कब्रिस्तान जो जगह होती है वो जन्नत से कम नहीं होती, क्योंकि यही इंसान का आखिरी घर है। अगर हम इस कब्रिस्तान को अच्छे से अच्छा साफ़ सफाई करेंगे तो इसका अजर हमें दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि इतनी सफाई कि आप इस कोने से लेकर उस कोने से लेकर उस कोने तक जो है पूरा कब्रिस्तान आपको नज़र आएगा, हर एक कब्र आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं इससे पहले की हालत बहुत ही खस्ता हालत में थी, लेकिन उनकी कोशिशों से ये काम, और नौजवानों को इनसे एक प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि हर नौजवान में ये जज्बा उभरे और शहर का छोटे से छोटा कब्रिस्तान भी जो है एक अच्छा साफ़ सफाई कब्रिस्तान नज़र आए। तो यहाँ पर रहते थे, हमें इन्हीं से बात करते हैं। पहले कैसे कब्रिस्तान में थे? हाँ, ये करते थे। इसी साल साहब भवन साहब भी करे हैं, हर साल पहले हमारी जमात भी करती थी। अभी बारिश की वजह से क्या हुआ, ज़मीन भी बहुत नरम है, हर 6 महीने में बाद में उठते चलते हैं। आप देखो परसों कर दे फिर उठता है कचरा, उसी के बारे में। तो आप ऊपर ऊपर बार बार यहाँ सफाई की जरूरत है? हाँ, सफाई की जरूरत है ऊपर ऊपर। इससे पहले की हालत बहुत खस्ता थी? हाँ, स्थिति बहुत बड़ी थी, मेरे से ऊंचा ऊंचा चारा था, सब बागन साफ करे सब। नहीं, लोग आते थे तो अंदर जाने रास्ता नहीं मिला। ये जो आप मेरे पीछे नजर आ रहे हैं आपको इसी कब्रिस्तान में, ये आदिलशाही दौर के कब्र हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आदिलशाही दौर के उस ज़माने के कब्र हैं। तो हमें भी पता नहीं था कि इस कब्रिस्तान में शाही दौर के ये शाही कब्रें मौजूद हैं, क्योंकि इतनी झाड़ी यहाँ पर थी कि ये कब्रों को देखना ही भी काफ़ी मुश्किल था। इतनी झाड़ी और इतनी कांटेदार बेलें यहाँ पर थे, लेकिन कब्रिस्तान साफ़ होने के बाद ये अब नज़र आ रहे हैं शाही दौर की, मुमकिन था इससे पहले की अगर आप हालत देखेंगे। तो माशाल्लाह ये कब्रिस्तान अब इतना खूबसूरत जन्नत के बाग की तरह नज़र आ रहा है कि कोई भी शख्स आकर अपने आबा व अजदा की कब्रों पर फातिहा व दुरूद बआसानी से दे सकता है। इब्राहिम रोज़े के शाही कब्रिस्तान का जब हमने जायज़ा लिया तो बाग़े जन्नत की तरह इस कब्रिस्तान को संवारने में, यहाँ के सफाई करने में करीम बागवान साहब और उनके साथियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आइए उन्हीं से कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। करीम बागवान साहब एक सोशल वर्कर, शहर बीजापुर के सोशल वर्कर करीम बागवान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बस कुछ नहीं है, मुझे इतना ही कहना है कि आपने जो तारीफ़ की है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं है, काफ़ी बड़ा काम था, तो शुरुआत में जो है डर भी लगने लगा था कि पूरा होगा नहीं होगा, फिर बाकी हमारे सारे साथियों ने हिम्मत बढ़ाई और सारे शहर के लोगों ने भी हिम्मत बढ़ाई इस काम को लेकर, तो फिर काम जो है मुकम्मल के एक नज़रिए में आ गया। अभी सिर्फ बाकी बचा लाइटिंग का भी, वायर का भी, काफ़ी प्रॉब्लम्स थे यहाँ पे। पहले तो शुरुआत में आप देख रहे होंगे कि कब्रों तक पहुंचना या किसी कब्र को देखना भी नामुमकिन था, वो हालत थी पहले। तो अभी माशाल्लाह अभी जो है आराम से मतलब आ सकते हैं अंदर तक। रात में भी अगर किसी को ज़ियारत करना है या किसी को दरुद फातिहा के लिए भी कोई आना है तो कोई बिना किसी तकलीफ़ के आ सकता है अंदर। अक्सर देखा गया है कि बीजापुर की तारीख में
ये कब्रस्तान और दरगाहें जितने भी हैं यहाँ पर कुछ रसाकसी होती है। दोस्तों का हाथ है इसमें और बाकी के बहुत से लोग हैं जो साथ में हमारे काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने काम नहीं किया, बहुत लोगों ने इसको आके हाथ बढ़ाया अपना। अभी मैं सबके नाम गिनाऊंगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है गिनाने के लिए। अभी आप इतना साफ किए, बहुत ही कुछ पेमेंट मिले उनको, बस और कुछ नहीं। अभी इतना तो काम हुआ है काफ़ी, इंशाल्लाह अभी आगे भी पूरे कब्रस्तान करने का इरादा है हम लोग का। यहीं पे रुकने वाले नहीं है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों को चुना उन्होंने और इस काम के लिए मुकम्मल करने के लिए भी उनका ही हाथ है, अल्लाह ताला का ही। ये उनकी मेहरबानी और करम से यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। इंशाल्लाह पूरा उस तरफ का भी, पूरे तरफ भी, जहाँ जहाँ भी है वहाँ भी पूरा कर लेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये थे अली जनाब करीम बागवान साहब, सोशल वर्कर बीजापुर के। तो उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इब्राहिम रोज़ा कब्रस्तान को एक जन्नत के बाग के नुमा साफ़ किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने सफाई का काम किया है। यहाँ के जमात वालों के सहयोग भी उन्हें मिला है, नौजवानों का सहयोग भी उन्हें मिला है और उनका मिशन जो है शहर के तमाम छोटे बड़े कब्रस्तान जो भी खस्ता हालत में हैं, जहाँ पर भी कांटेदार बेलें लगी हुई हैं, झाड़ियाँ हुई हैं, उन तमाम को कर। ये इब्राहिम रोज़ा कब्रस्तान का ये शाही गेट है और शाही गेट एंट्रेंस गेट जिसे कहा जाता है, और इस एंट्रेंस गेट के बाजू में जो है एक यहाँ पर ग्रिल लगाई गई है। BDA के सहयोग से ये ग्रिल लगाई गई है ताकि अंदर जनाजे की नमाज लोग आसानी के साथ अदा कर सके। जनाजा रखने के लिए कट्टा बनाया गया है और सामने तमाम फर्सियाँ बिछाई गई हैं और BDA के सहयोग से एक ग्रिल भी बिठाई गई है ताकि जनाजे की नमाज यहाँ पर आसानी के साथ पढ़ सकें और यहाँ पर जनाजे की नमाज अदा की जाएगी। और यहाँ पर मेरे राइट साइड में आप देख सकते हैं तो जनाब करीम बागवान साहब के कहने के मुताबिक यही एरिया जो खाली लग रहा है यहाँ पर जो है वज़ू खाना बनाया जाएगा। यहाँ पर वज़ू के लिए नल और वज़ू खाना बनाने का इनका ये मंसूबा है और ये मंसूबा जल्द इनका पूरा होगा इंशाल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से जब जनाजा लाया जाता था लेकिन अंदर रखने के लिए काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि तमाम झाड़ियाँ लगे हुए रहते थे। क्या कर रहे सुबह में थे, तू क्या रहा है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़े बड़े दरख्त भी थे जिसको काट काट कर निकाला जा रहा है और कब्रस्तान को पूरी तरह से साफ किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काम चला हुआ है और इससे पहले की हालत तो आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक घने जंगल की तरह लगता था, लेकिन यहाँ पर जो है काम शुरू है, सफाई का काम शुरू है और एक बड़ा हैमस भी बिठाया गया है और मेरे दाईं तरफ उधर भी एक हैमस बिठाया गया है।
आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि आज मैं एक ऐसी जगह पर ठहर कर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। अभी तक तो आपने भीड़ भाड़ वाले जगहों में से देखा होगा, लेकिन आज मैं शहर खमोशा यानी कब्रस्तान में ठहर कर रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। कब्रस्तान का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, खौफ खाने लगते हैं, कि अशुभ समझने लगते हैं, कि कब्रस्तान में आने के लिए डरते हैं। लेकिन इंसान जब पैदा होता है और पैदा होने के बाद मरना उसे ज़रूरी है, यानी उसकी पैदाइश और उसकी मृत्यु एक अहम बात है, यानी ये ना चुकने वाली बात है। जब इंसान पैदा होता है तो वो मरता ही है, लेकिन ना जाने लोग कब्रस्तान का नाम सुनकर क्यों खौफ खाने लगते हैं। तो आइए शहर बीजापुर के चंद कब्रस्तानों की हालत बिल्कुल खस्ता थी, तो वहाँ पर जाकर दफन करना भी नामुमकिन था, यानी बिल्कुल खस्ता हालत ऐसी कि बारिश के महीनों में तो पूरे झाड़े उड़ जाते थे, दरख्त उड़ जाते थे, लेकिन मालूम नहीं होता था कि यहाँ पर कब्रस्तान है या नहीं है। लेकिन शहर बुजियापुर के एक सोशल वर्कर करीम बागवान साहब और उनके चार साथियों ने मिलकर ये बेड़ा उठाया कि आखिरी जगह जब इंसान को जाना है कब्रस्तान ही में जाना है। बहुत से लोग आते हैं, दफन के वक्त आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, लेकिन कब्रस्तान के बाहर जाते ही वो भूल जाते हैं। वो ये तक भी भूल जाते हैं कि हमारी आखिरी आरामगाह यही है। तो शहर के नौजवान सोशल वर्कर जनाब करीम बागवान साहब और उनके साथियों ने मिलकर इस हालात को समझा और महसूस किया कि कब्रस्तान इतनी खस्ता हालत में है जहाँ पर पांव रखना भी गवारा नहीं, जहाँ पर पांव इंसान रख भी नहीं सकता, इतने कंटियाँ और इतने काटे भराटे, इतने दरख्त, इतना कचरा भरा हुआ है कि कब्रस्तान मालूम ही नहीं होता कि कब्रस्तान है या नहीं है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है इब्राहिम रोज़ा के जो एक तारीख़ी कब्रस्तान है, इब्राहिम रोज़ा कब्रस्तान को जो उन्होंने पूरी तरह से साफ़ किया और उसे एक कब्रस्तान की कब्र साफ़ किया और अच्छी हालत में लाए, और वहाँ पर जो है महानगर पालिका की मदद से हैमस भी बिठाया गया। अब दूसरी मरतबा वहाँ पर होने के बाद हज़रत अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्लाह अलैह का जो ये तारीख़ी जो कब्रस्तान है वो भी जो है बहुत खस्ता हालत में था, यानी बिल्कुल वहाँ पर इतनी झाड़ियों से भरा हुआ था, कांटों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने साथियों की मदद से लबैक कर आज अब्दुल हमीद दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्रस्तान का सफाई का काम शुरू करे हैं। ये देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बस कहने के लिए कुछ नहीं है, कब्रस्तान का काम शुरू करना, बल्कि हम लोग शुरू करें, पहले इब्राहिम रोज़ा का काम ख़त्म करें। अभी और थोड़ा कुछ बाकी है काम, लाइट का थोड़ा फिटिंग है और वज़ू का जो है काम वो इतना बाकी है। अगर इतना हो गया तो वहाँ का काम पूरा मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ का काम तो शुरुआत हुई है, ऑलमोस्ट ऑल क्लीन कर रहे हैं, पूरे सफाई का जो काम है, कपड़ों का ऑलमोस्ट ऑल कांटे का वगैरह जो है बाकी का निकाले हैं। अब ये पूरा होने के बाद इसकी और एक बार साफ़ सफाई होगी पूरी तरीके से, फिर इंशाल्लाह जो है इसके बाद अगले दूसरे कब्रस्तान चले जाएंगे हम लोग, इंशाल्लाह वहाँ का भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। खाली कब्रस्तान का नहीं, शमशान का भी काम उठाएं हम लोग साथ में, खाली कब्रस्तान का एक ही काम नहीं है। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वहाँ पे भी चले जाएंगे, वहाँ पे भी जाके वहाँ भी क्या तकलीफ़ है, अगर वहाँ पे भी उन लोग को पानी की तकलीफ़ है या अगर मान लो साफ़ सफाई नहीं है ठीक से, तो ये जो है ये हमारा आखिरत का घर है। यहाँ पर जो है जिस तरीके से हम लोग अपने घरों को साफ़ रखते हैं, वो तो हमारा घर चंद दिनों का घर है जो हम लोग हमेशा साफ सुथरा रखते हैं, लेकिन ये जो घर है ये हमेशा का घर है, ये घर की अहमियत सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। अभी हमारे सलीम भाई हैं, नूर भाई हैं, शब्बीर भाई ढालायत हैं, पीरा हैं, ये सब लोग मिलके जो है हमारा साथ दिए, बिल्कुल इसी तरीके से जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो बाकी के जो लोग हैं वो भी इस मुहिम के साथ जुड़े, अगर अब वो भी अपना काम शुरू करेंगे तो हम लोग भी उनकी मदद के लिए भी आ जाएंगे उधर,
इंशाल्लाह। मैं बस इतना कहूँगा कि यहाँ पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ये काम खत्म होने के बाद इंशाल्लाह दूसरे कब्रिस्तान वहाँ पे देखेंगे और शमशान में भी जाके देखेंगे। ये बात का ख्याल कैसा है आपको कि कब्रिस्तान को साफ हुआ क्या कि हम लोग एक मैयत में गया था, मैं इब्राहिम रोज़ा, तो वहाँ पे जाके देखा कि मैयत सिर्फ घर के लोग उठा के लेके जाना भी मुश्किल है, बाकी के सभी लोग बाहर खड़े रह गए। तो फिर हम लोग दोस्त लोग सब लोग मिल के बैठे, एक बार बैठ के सोचे कि इसके लिए चल के साफ़ सफाई का एटलीस्ट ये बड़ी नेकी का काम है, हालत तो ऐसी है कोई उसके लिए कदम उठाने को तैयार नहीं था। तो हम लोग सोचे कि दिल में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर रहम करम किया, उनके करम से हमने ये काम शुरू किया। बस हमारी कोई आपसी कोई ये नहीं कि हम करें या ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आके जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है इस काम के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है या मैं कर रहा हूँ या ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए है, सबका नेकी का काम है। यहाँ पे आकर अगर कोई काड़ी भी उठाया तो ये सवाब भी जारी आए, आखिरत तक ये हमारे काम आने वाली चीज़ है। इसलिए जो है मेरी बस इतनी गुजारिश है सबसे कि आके अब बाकी के भी जितने कब्रस्तान हैं वहाँ पे भी हम लोग इंशाल्लाह पहुँचेंगे, तो आप लोग आके जो है इस मुहिम के साथ जुड़े और अगर सब मिल के अगर ताकत बन जाएंगे इंशाल्लाह तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर इसके लिए फंडिंग की जरूरत? नहीं, फंडिंग की तो ज़रूरत होती है, वैसे हम लोग दोस्त लोग सब मिल के कर रहे हैं, फंडिंग की तो रहती है। वैसे थोड़ा वीडियो में भी थोड़ा सपोर्ट किया वहाँ पे इब्राहिम रोजे के लिए, वहाँ पे वो लोग सामने ग्रिल का भी काम करके दिए, थोड़ा रोड का भी अंदर करके दिए। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आगे का भी जो काम है अभी बाकी है बहुत सारा, वहाँ पे अगर हम लोग पूरा सीसी रोड नहीं बना सकते तो जो वहाँ ब्रिक्स डाल के जो है खाली अपना करके दिए, एटलीस्ट इतना तो करके दिए कि लोग जाके आखिर तक पहुँचे, तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर उनसे नहीं हुआ तो भी हम लोग पूरी कोशिश में कि करें पूरा काम, यहाँ पे हो चाहे हर कब्रस्तान जहाँ पे भी हम लोग जाएंगे या शमशान घरों में भी जाएंगे। इसके बाद यहीं रुकने वाले नहीं, हम लोग खाली कब्रस्तान तक ही रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग बिल्कुल इंशाल्लाह कब्रस्तान के अलावा जो है शमशान भी जाएंगे, वहाँ पे भी उन लोग को भी बुलाएंगे हम लोग कि वो भी हमारे साथ जुड़े और अपना जो काम है या लाइट अगर वहाँ नहीं है रात में अगर किसी की मैयत वहाँ पर भी जाती है या ये बाकी की सारी चीज़ें हैं जो क्लीननेस पानी का जो समस्या रहती है हमेशा हर जगह, पानी की भी सुविधा जो है 24 घंटे के नल अभी इंशाल्लाह एक बड़ा काम कांग्रेस सरकार में भी हुआ है एक काम, तो उनकी अगर थोड़ी मदद मिल गई हम लोग को तो पानी का भी इंशाल्लाह वो भी काम कर देंगे इंशाल्लाह। बस और कुछ ज़्यादा कहना तो नहीं है। नौजवान तबके से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नौजवान तबके से यही कहूँगा कि आए और जो अपने जो बुज़ुर्ग हैं अपने हस्तियाँ जो भी हैं आके जो कब्रस्तानों में दफन हैं उनकी ज़ियारत के लिए आए, कम से कम कब्रस्तान आके हम लोग इबरत तो हासिल करें कि कम से कम हम लोग यहाँ पे आकर देखेंगे तो दिल में एक खौफ खुदा जारी हो जाएगा, तो उनके दिल में डर आएगा कि आगे हम लोग कोई गुनाह करें या नहीं करें, गुनाह से किस तरह से बचा जाए, बहुत सारे चीज़ें हैं सोचने के लिए बहुत। तो अब इससे ज़्यादा और कुछ कहना नहीं है, बस इतना है कि सब लोग जुड़े और जुड़ के काम करें तो इंशाल्लाह पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये थे शहर बीजापुर के सोशल वर्कर जनाब करीम बागवान साहब और उनके साथियों ने, तो उन्होंने कहा ये सवाब जारिया है, तो ये हम तो दुनिया में जो है अपने घर को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाते हैं, मार्बल लगाते हैं, इटली के टाइल्स लगाते हैं, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि उसका आखिरी घर जो है जो कयामत तक उसे वहाँ पर रहना है, ये लाफानी दुनिया जो है लाफानी दुनिया, तो उसे कब्रिस्तान का जो उसकी आखिरी आरामगाह है तो उसे यहाँ पर रहना है, तो उसके बारे में इंसान इसका ख्याल नहीं करता। आते हैं लोग मैयत में आते हैं लेकिन बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक शायर ने भी कहा है कि कब्रिस्तान को पार्लियामेंट कहा, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं हर मुद्दे पर अपना डिस्कशन करते बैठते हैं, कोई सियासत के बारे में डिस्कशन करता है, कोई हालात पर डिस्कशन करता है, लेकिन जब बाहर जाता है तो सबका सब जो है भूल जाता है। तो ये सवाब जारिया का काम करीम बागवान साहब और उनके साथियों ने बेड़ा उठाया है। उन्होंने इस बात ये भी बात कही, ये जो काम जो है कब्रिस्तान तक सीमित नहीं है, ये शमशान को भी जो है हर शमशान को भी जो है अपनी सफाई, चाहे शमशान हो चाहे वो चर्च के कब्रिस्तान हो या कहीं पर भी हो, ये अपना काम सवाब जारिया का जो काम है वो पूरा करेंगे, और जितने भी लोग आए आकर इनसे जुड़ना चाहें वो इनसे जुड़ सकते हैं। कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।